हेलो दोस्तों, मैं मनोहर खान, आप देखते हो आम के टेक्निकल। दोस्तों आज हम आपको ये रिमूवल बैटरी, बाहर से बैटरी लगाने वाले एलईडी बल्ब को ड्राइवर के अंदर बना करके दिखाएंगे। तो इसमें हमने ये प्रोसेस कर लिया, ये तार इधर को निकाल लिए हैं, अभी अंदर से इधर को निकालने पड़ते हैं, जो कि ये तार इसमें सोल्ड होंगे। और ये दो पीस हैं, एक रख लेंगे अलग, और इसके अंदर ये हमने ड्राइवर में B22 के तार, ड्राइवर के B22 के तार ये इधर लगा दिए, क्योंकि इस प्रोसेस में ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए हमने पहले से ही रेडी रखा था। तो हम ये तैयार करेंगे B22 इसके, तो हम ये थोड़ा फ्लैक्स लगा लेंगे ताकि हमारे B22 के जो आई जाएँ एकदम परफेक्ट बन जाए। आज मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ इसकी रोशनी बना करके। और ये बहुत ही आसानी से इसकी ये आईज तैयार हो जाती है, कुछ नहीं करना पड़ता। ये देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से इसकी आईज बन गई। आप देख सकते हो इसकी आईज कितनी फिनिशिंग के साथ बन गई हैं। और हम इसे थोड़ा साफ कर देंगे, इसके जो इसमें ये पेस्ट लगा हुआ है, और आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ इसकी आईज बन चुकी है। इसी तरह हम इसको सोल्ड कर लेंगे। इसमें थोड़ा फ्लेक्स लगा देंगे इधर, और थोड़ा हम तार में भी लगा देंगे फ्लेक्स, इधर तो लगा ही दिया। ये हमने इसमें सोल्ड कर दिया है। इसी तरह हम इसमें सोल्ड कर देंगे। तो दोस्तों इसी तरह हम इसको सोल्ड कर देंगे, थोड़ा सोल्डर लेंगे और इसको भी हम सोल्ड कर देंगे। नॉक प्लस लेंगे और नॉक प्लस की मदद से हम ये मोड़ देंगे, जो तार ये खींचे ना और इसके अंदर फिट हो जाए।
तो हमने ये भी मोड़ दिया है। अब हम इसको इस तार को खींच लेंगे और इस सॉकेट को अंदर हम बढ़ा देंगे इसको। ये देखिए ये अंदर बढ़ चुका है और इसी तरह हम इसको भी बढ़ा देंगे, ये भी अंदर जा चुका है। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ तक। तो ये हमारा दोनों कंप्लीट हो गए हैं और अब हमारा काम है ड्राइवर को सेट करना। कि हम ड्राइवर को सेट कैसे करेंगे इसके अंदर, तो सिंपल सा है, कोई ज़्यादा टेढ़ा काम नहीं है। ड्राइवर को सेट करना कोई इतना टेढ़ा काम नहीं है। तो दोस्तों हमारा ये B22 लग करके रेडी हो गया और ये भी सॉकेट लग गए। अब हमारा ये ड्राइवर का काम रह गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये ड्राइवर बैटरी वाले तार तो सॉकेट को तो हम इधर लगा देंगे। ये लग गया, अब रह गया हमारा ड्राइवर। अब हमें क्या करना है, ये सारे तार हमें इस तरीके से एक जगह कर देने हैं और MCPCB में इस तरह से हमने डबल टेप लगा दी है। आप जो चाहें इस्तेमाल कर सकते हो। ये हमने इसमें चिपका दिया, अभी इसमें चिपका रहेगा। इसी के साथ अब हम इस टिक्की को इसके अंदर सेट कर देंगे। दोस्तों एक समस्या है कि ये इसके अंदर लगा करके बात नहीं बन रही। तो एक आइडिया ये है कि हम इसको इधर से चिपकाना चाहते हैं और इधर से चिपका के देखते हैं, इधर से होता है काम नहीं, क्योंकि वो प्लान हमारा फेल हो गया। अगर मैं टिक्की को लगा रहा हूँ तो इसमें फ्यूज रेजिस्टेंस वगैरह ये बीच में आ रहे हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ इस तरह से फिट करने की जो कि हमारी हमारा ड्राइवर भी सेफ रहे। नहीं, अब हमारा एक लास्ट ऑप्शन ये है हम इसको इस तरह से फिट करेंगे और ये जो हमने टेप
यहाँ लगाई है। इस टेप को हम यहाँ लगा देंगे ड्राइवर के पीछे। अब मैं इनका वहाँ लग जाता है तो लग ही जाता है, सीधी उंगली से घी निकल जाता है तो ठीक है, नहीं तो उंगली अब टेढ़ी करनी ही पड़ी हमें। और हमने इसको यहाँ सेट कर दिया, यहाँ हमारा ये चुपक के हो जाएगा ये फाइनल। और अब हम ये तार, ये हमारा सेट हो गया है चुपक के डबल टेप से। अब हमें क्या करना है कि अब हमें ये टिक्की इसके अंदर फिट करनी है, तो ये तार हम इधर निकाल लेंगे और इस टिक्की को अब आसानी से हम, अभी एक तार और रह गया है, इस टिक्की को आसानी से हम फिट कर पाएंगे। अब ओके दोस्तों, ये फिट हो गई है बहुत आसानी के साथ। और अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है ये कि हम ये हाउसिंग के ऊपर यहाँ ये चिपकाने वाला जो हमारा सिलिकॉन है इसे हम लगा देंगे। इतना इतना लगता नहीं है, पर मैं ये जल्दी जल्दी में आपको करके दिखा रहा हूँ। और उसके बाद ये हम आपको ये लगा करके दिखाएंगे। ये हमने अब पीसीबी को सेट कर दिया है, अब इसके हम फटाफट आपको कनेक्शन करके दिखाते हैं। ये फटाफट आपको हम इसकी चिमटी, ये सॉरी तार लगा करके दिखाते हैं। तो दोस्तों ये तार लग करके हो गए रेडी। अब हम ये बैटरी डाल करके पहले ये चेक कर लेंगे। तार चेंज करके देख लेंगे दोस्तों।
दोस्तों ये हमारा बन करके हो गया रेडी। जरा हम ये थोड़ा सा हमारा पेस्ट आ रहा है इधर, इसे हम साफ कर देते हैं इस कपड़े की मदद से, जो कि हमारी एलईडी एकदम सफाई से जले, रोशनी एकदम क्लियर से, और फिर वैसे भी काम में फिनिशिंग होनी चाहिए। काम में फिनिशिंग होगी जब ही काम करने का मजा भी अलग होता है। अब दोस्तों लास्ट काम हमारा रह गया है, ये हमारी बैटरी लग गई है इसमें, ये देखिए 2 सेकंड बाद बंद हो गया, क्योंकि पहले जब शुरू में हम जलाएंगे जिसे लगाते हैं, लगाते ही जल जाता है, फिर ये अपना बंद हो जाता है 2 सेकंड बाद। और ये हमने इसका ढक्कन लगा दिया, ये हमारा एलईडी बल्ब हो गया बंद करके रेडी। अब हम ये देखिए, ये हमारा रेडी हो चुका है और काफी खूबसूरत लग रहा है बनने के बाद में। अगर गंदा हो जाता है, थोड़ा बहुत निशान लग जाता है दोस्तों, तो उसे साफ कर लिया करो। ये देखिए दोस्तों हमारा बल्ब बन करके रेडी, अब हम इसे जलाएंगे। अब ये देखते हैं कि इसकी रोशनी कितनी है, 35 एलईडी राउंड ड्राइवर के अंदर रोशनी कितनी है, वो चीज हम देखेंगे। ये देखिए दोस्तों इसकी रोशनी देखिए, रोशनी इसकी बहुत ही जबरदस्त है, बेहतरीन झकास रोशनी है। और इसका हम डिफ्यूजर हटाएंगे, ये देखिए रोशनी कितनी बढ़िया है, बहुत ही जबरदस्त इसकी रोशनी है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ये वीडियो देखें जरूर, क्योंकि इस एलईडी बल्ब को असेंबल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा अलग है, और बड़े सोच समझ के असेंबल करा जाएगा ये, क्योंकि एक एक चीज़ पर नज़र देके अंदर पिन कोई ड्राइवर से टच ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इसे ज़रूर देखें दोस्तों। तो मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में किसी और नए तरीके के साथ, जब तक के लिए बाय बाय। हाँ जी।